पहले आपका नाम? हेलो, मेरा नाम आकाश गहरवार है। आकाश जी, अगर फिल्म की बात करें, इस फिल्म में क्या किरदार है आपका और फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम गड़बड़ झाला है। इसमें मेरा किरदार एक छोटे शहर से आए हुए लड़के का है, जो कि मुंबई में फर्स्ट टाइम आता है स्ट्रगल करने, हीरो बनने और फिल्म लाइन में अपनी किस्मत आजमाने। और आपके साथ और कौन कौन कलाकार अगर बात करें? अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट में देखा जाए तो मुश्ताक खान हैं और रज्जाक खान हैं, जो लोग पहले भी काफ़ी फिल्में कर चुके हैं। स्टोरी क्या है आपके इसमें, पूरा किरदार की अगर बात करें? अच्छा, तो फिल्म की स्टोरी ये है कि एक लड़का होगा और वो मुंबई आया होता है इसलिए कि वो फिल्म लाइन में अपना करियर कुछ इस्टेब्लिश कर सके। और यहाँ पे जब वो फर्स्ट टाइम शहर आया होता है तो उसे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं जो उसे बेवकूफ़ बनाते हैं, उसे पैसा लूटने के ऐंठने के चक्कर में होते हैं। और पूरी फिल्म जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि बाहर से जब भी कोई लड़का आता है छोटे शहरों से अपनी किस्मत आजमाने, तो यहाँ उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो सारी चीज़ें फिल्म में दर्शाई गई। मतलब मुंबई में सब दिखाया गया, मुंबई में क्या क्या होता है, मतलब हाँ, इसी हिसाब से बनाई गई है। फिल्म में काम पाने के लिए किस किस दौर से हाँ, गुजरना फिल्म पड़ता में है? काम पाने के लिए किसी न्यू स्ट्रगलर को, न्यू फेस को क्या क्या करना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इससे पहले अगर फिल्मी कैरियर की बात करें, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आप? इससे पहले मेरी एक फिल्म सलाम साहब हमने शूट की थी कृष्णा अभिषेक के साथ, तो वो अभी फ्लोर पे है। वो कुछ टाइम में प्री प्रोडक्शन में लगी हुई है, कुछ टाइम में वो रिलीज़ होगी। आपके साथ सह कलाकार की बात करें, कौन है? मेरे साथ जो काम कर रही हैं हीरोइन, वो मीनाक्षी है। वो भी पहले न्यू कमर, हाँ, वो भी न्यू कमर ही है। का कितना जमाना है आजकल? बात करें नई नई फिल्में बन रही है, जैसे यारियां हैं और भी बहुत सारी फिल्में, लो बजट की फिल्में हैं, हाँ, तो कितनी मार्केट है आजकल? न्यू कमर की देखिए मार्केट के लिए मार्केट वैल्यू तो फिल्म में वही होती है जो अच्छा प्रेजेंटेशन दे दे, अच्छा दर्शा दे। तो फिल्म जो अच्छी होगी वो सीधी सी बात है वो फिल्म लोग देखने जाएंगे, ऑडियंस देखने जाएगी। तो ये मोटिव मेन ये इशू नहीं है कि उसमें न्यू कमर काम कर रहे हैं या फिर कोई पुराना आर्टिस्ट। थैंक यू। और मेरी तरफ से होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से होली की हर ऑडियंस को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और सभी प्रेस को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश प्रताप सिंह है, एज ए प्रोड्यूसर मैं इस फिल्म को कर रहा हूँ। हमारे डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, वो मेरे साथ सहयोगी हैं। और इस फिल्म को गड़बड़ झाला फिल्म यह है, ये इसमें कॉमेडी फिल्म है, तो हम सब इसको मिल करके अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं, एक समाज के नए आईने को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, जो कि मतलब एकदम हकीकत है। मतलब जो बच्चे स्ट्रगल करने आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके साथ क्या क्या होता है, तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इस आईन एकदम इस चीज़ को एकदम सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हम लोग दिखाना चाहते हैं। अरे थैली हटाओ, स्पॉट बोलिए, स्पॉट पे आए। अरे यार स्पॉट आपका स्पॉट देखो, बहुत पसीना हो रहा है। स्पॉट दादा, देरी हो गई। कौन है दादा? रोल कैमरा। करेंगे।
मैं आरपी सिंह, मामा जी हमारे आरपी सिंह जी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर। हाँ वो, लेकिन ये मेरे भांजे नहीं, मेरे भाई हैं। राकेश सिंह मेरा नाम है। भांजे सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट मेरे भाई हैं। और मेरे छोटे भाई मिस्टर आनंद के बहुत प्यारे थे, और आनंद जी ने हमने आपने मिल के इसके पहले 6-7 फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें प्रमुख फिल्म नरम गरम उसको प्रोड्यूस की, डायरेक्ट मेरे गुरुजी ने ऋषिकेश मुखर्जी ने की। उसके बाद तन बदन, तकदीर का तमाशा, शिवा शक्ति, जमीन आसमान, और आखिरी फिल्म थी जान से प्यारा। 16 साल के अंतराल में हम लोग फिर एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला है वाराणसी में, और ये गड़बड़ झाला जो फिल्म है इसे कर रहे हैं। और अभी एक मछली जल की रानी, अब आप बताएं मिस्टर जी। और मुंबई में भी हमारा सिनेमा निर्माण का कार्यक्रम चलता रहता है। 3 साल पहले हमने भोजपुरी फिल्म ननिहाल बनाई, और अभी एक हिंदी फिल्म भी मछली जल की रानी हमारे सहयोग से बनी है, जो शीघ्र रिलीज़ होने वाली है। तो ये परिवार की परंपरा है, उस श्रृंखला में हम लोगों ने एक कड़ी और जोड़ी हुई है। सर, इसकी बात गड़बड़ झाला की बात करें, क्या है आपका डायरेक्टर है, बताने से क्या है, जी कितने हैं, कितने? ये इसमें 5 गाने हैं, और इसकी थीम एक्चुअली क्या है, डिपेंड ऑन द टोटली फिल्म मेकर्स। जस्ट लाइक 125 करोड़ में 15 लोग अच्छे हीरो नहीं हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के पीछे इतने दीवाने, इतने पागल, इतने बेगाने, बच्चे बूढ़े जवान सभी हैं, और मिलता कितने को है, और आके करते क्या हैं, और क्या मिलता है, माँ बाप के प्यार को छोड़ के, दुनिया छोड़ के फिल्म के में काम करने के उद्देश्य से बॉम्बे आते हैं। मेरी स्क्रिप्ट ये कहती है कि किसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन इतनी बड़ी 125 करोड़ की दुनिया में 10 में काउंटिंग देखेंगे तो कितनी परसेंट आएगी ये तो कहना मुश्किल है। और दीवाने सभी हैं, और फिल्म का कीटाणु जवान बूढ़े स्त्री बच्चे सब में पाए जाते हैं। ये मेरी स्क्रिप्ट संदेश देती है कि हर आदमी फिल्म का दीवाना है। अगर इसका प्रूफ चाहते हैं तो इतने सीरियल हैं और सब चलते हैं, सब लोग देखते हैं, तो ये अपने आप में बात साबित करती है कि आज भी फिल्म की दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। उसकी एक कड़ी गड़बड़ झाला है, गड़बड़ झाला कॉमेडी, कॉमेडी प्रधान, और साथ साथ इमोशनल फिल्म भी है, जो माँ बाप से भी ज़्यादा फिल्म के ग्लैमर को देख के बच्चे भाग के चले जाते, ये सब्जेक्ट है, ये नोटिस करने की बात है। तो इस तरह कॉमेडी फिल्म बनते बनते अपने एंड की ओर बचती है। किसकी कास्टिंग में आकाश गहरवार और मीनाक्षी एक लड़की हीरोइन ली गई है, जिसकी अभी कुछ तबीयत नहीं खराब हुआ नहीं भाई, और किरण कुमार जी हैं, राजा मुराद जी, अरे वो रज्जाक मियाँ हैं, और वो एहसान खान, ये करेक्टर रोल में लोग हैं जी। थैंक यू। इनके लड़की भी बात जाती है, हम दोनों की बाइक में टक्कर हो जाती है, टक्कर, और मालूम है टक्कर टक्कर टक्कर। चलो ले लो, एक ले लो, लड़का ये चिड़िया बम्बई में नहीं आई है। क्या बात है राजा, समझ लो आपको ये मेरी हो गई। राजू उठ।